सुनाऊं, आज हैदर करार दी की शान है, मौला मुर्तजा दी की शान है, अली पाक दा की मकाम है। आज मेरे मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर जिस वक्त गोश पेश कीता गया, हुण सुनिया जे मेरे मुस्तफा नूं अली नाल बड़ा प्यार, अली नाल बड़ी मुहब्बत है। आज मुस्तफा ने हाथ चुके, हाथ चुके, अज मैं तू नहीं हाथ चुक रहे, अज मेरे मुस्तफा ने हाथ चुके, अज की मौला अज मेरे बुवे ते ओनू भेज जिदे नाल तेनों बड़ा प्यार है, अज मेरे दरवाजे ते ओनू भेज जिदे नाल तेनों बड़ा प्यार है, जिदे नाल तेनों बड़ी मुहब्बत है। हजरत अंस फरमांदे ने लोको मेरे नबी ने हद चुके, हद थले नहीं आए, दरवाजे ते अली आ गए, दरवाजे ते अली आ गए। हजरत अंस ने हाथ बन्ने, कहते ने मौला मुस्तफा किसे काम दे अंदर मशगूल, हजूर थोड़ी देर तो बाद आ जाया जे। हजरत अंस कहते ने लोगो अज मैं वेखना चाहना वा जिदे नाल नबी नू भी बड़ा प्यार है, जिदे नाल रब नू भी बड़ा प्यार है, अज अजीम हसी केड़ी। हजरत अंस बिन मालिक कहते लोगो फिर थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, मेरे नबी दे हाथ थले नहीं आए, अली दरवाजे ते फिर आ गए। जुमला सुनिया जे बाबा जी, मेरे मुस्तफा ने दवा की मौला इस कायनात दे अंदर जिदे नाल तानू बड़ा प्यार है, जिदे नाल तानू बड़ी मुहब्बत है, अज ओनू मेरे दरवाजे ते भेजी आ जे। अलामा किबला जाहिद चिश्ती साहब आप दी इस अजीम अपने पाक दी दावत दी आने वालो, जरा जुमला सुन के तड़प जाओगे। ये जिस वक्त हजूर ने हाथ चुके, हजरत अंस फरमाने ने लोगो अली तीसरी मर्तबा फिर दरवाजे ते आ गए, मेरे नबी ने फरमाया है अंस अज रोकी ना, अज अली आप ही नहीं आ रहा, अज अली नू भेजिया जा रहा। कौन है तेरे करार है जिदे नाल अल्लाह दे हबीब नू भी बड़ा प्यार, जिदे नाल अल्लाह नू भी बड़ा प्यार। मेरे मुस्तफा मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया नाल वफा करने वालो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोको मैं इलम दा शहर हाँ, अली ओदा दरवाजा है, जिन्हों इलम चाहिदा है अली दे दरवाजे रस्ते आना पवेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चौथी हदीस पढ़न लगा, मेरे मदीने दे ताजदार ने फरमाया मैं हिकमत दा घर ते अली ओदा दरवाजा है, मैं हिकमत दा घर अली ओदा दरवाजा है। पता चलिया हिकमत चाहिदी अली दे बूहे ते जाना पवेगा, अगर जनाबे आ लो इलम चाहिदा वे अली दे दरवाजे ते जाना पवेगा। ओए मुसलमानो अगर सीने चली दा प्यार नहीं, इमामे हसन दा प्यार नहीं, इमामे हुसैन दा प्यार नहीं, ए नमाजा भी जाया हो, ए कुरान दी तलावत भी जाया हो जानी जे। आओ मैं बिला तमहीद हदीसे पाक दा मफहूम सुनांदा जावा, ए महशर दा मैदान सजिया होवेगा, क़यामत दा मैदान सजिया होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा। अज मौलवी साहब दी अमाल नूं ए तराजू तो तोलिया जावेगा, अज नेकियां भी बड़ियां ने, ए पहाड़ां जिन्नियां नेकियां आवण गईयां लेकिन तराजू च तोलिया जा रही है, तराजू च तोलिया जा रही है लेकिन वजन जीरो जीरो आ रही है। अज जनाब यारा वो बंदा आखेगा जरा खोलो, ये गठरी खोली जाएगी, आखेगा जी वेखो ते सही नमाजा है ने, वेखे फिरिश्ते कहणगे हाँ हाँ नमाजा भी है ने, कुरान की तलावत भी है वे, अज नवाफिल भी है ने। कहेगा जी फिर ये वजन क्यों जीरो जीरो आ रही है, एक एक बात अजिमेदार इस गल ते जरा तवज्जो करी आ जे। एक फरिश्ते ने आ जाना है, आ के आखेगा सब कुछ है वे लेकिन अली कोई नहीं, सब कुछ है वे
नमाजा भी है नहीं, अली पाक कोई नहीं, नमाजा भी है, कुरान भी होवे, ज़कात भी होवे, हज भी होवे, अगर अली की मुहब्बत दामन च कोई नहीं, ओ सुनियो बेड़ा पार नहीं होना, बेड़ा ओदा ही पार होना है, जिदे सीने दे अंदर ओ सफा दे सहाबा दी भी मुहब्बत होवेगी, नबी पाक दी अहले बैत दी भी मुहब्बत होवे। अल्लाह दे प्यारे हबीब मदीने दे ताजदार ने इरशाद फरमाया, लोको सुन लो, कुल ला असलुकुम अलैही अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। मैं बड़ी तबलीग कीती, तैफ दियां पहाड़ियां ते मैनू पत्थर मारे गए, लेकिन मैं किसी चीज़ का मुआवजा नहीं किया। मैं मक्के दे अंदर रह के दीन इस्लाम की तबलीग करता रहा, लोकां बड़े जुल्म सितम कीते, मैनू मक्का छोड़ना पिया, लेकिन किसी चीज़ की मैं उजरत नहीं मंगता। इल्लल मवद्दता इल्ला इस्तिस्ना का जुमला लिया के मेरे तेरे प्यारे हबीब ने फरमाया, लोको इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, एक चीज़ मंगना मेरे करीबियों के नाल मवद्दत करिया, जे मैं मुस्तफा ढाडे ते राजी हो जावगा, मेरे करीबियों के नाल मुवद्दत करनी है। हजरात हजूर ताजदार कायनात सरवर कायनात मदीने दे ताजदार दी बारगाह दे अंदर साहबी खड़े होए ते हाथ बने, सुनया करीबी कौन है? मेरे हजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, साहबा सुनो, मेरे मुस्तफा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरी करीबी है, मेरी बेटी फातिमा मेरी करीबी है, उन्होंने बेटे मामे हसन मेरे करीबी ने, उन्होंने बेटे मामे हुसैन मेरे करीबी ने, और सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने शोहर हैदर करार मेरे करीबी ने। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीबियों के नाल मवद्दत करनी है। पहली हदीस पढ़न लगा, एक एक बात का जिम्मेदार हाँ। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज की, सोना तुहानू कायनात के अंदर सब नालों ज्यादा किहदे नाल प्यार है? औरतों अंदर जिहड़ियां औरतां ने अजवाज भी आप दियां, बेटियां भी आप दियां, औरतों के अंदर कायनात के अंदर आप सब नालों ज्यादा किहदे नाल मुहब्बत है? हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों नालों सब नालों ज्यादा मैनू मेरी बेटी फातिमा नाल प्यार है। हजूर की बारगाह के अंदर अर्ज की, सोना मर्दा अंदर किहदे नाल ज्यादा प्यार, किहदे नाल मुहब्बत है? हजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मर्दा विचों मैनू अली नाल बड़ा प्यार है। और एक बात दी मैं बड़ी जिम्मेदारी ने नाल अकीदा अहले सुन्नत दे अंदर करीम दे जोड़ियां दा सदका, अकीदा अहले सुन्नत ऐसा अजीम अकीदा है कि पाका ने सानू ऐसा अजीम अकीदा ता फरमाया है, असी मुस्तफा दी तमाम निस्बत दा हया भी करने हैं, तमाम निस्बत नाल प्यार भी करने हैं। और सुनिया दे कोल कोई तराजू नहीं कि तराजू दे अंदर रख के तो तोलिया जाए कि अबू बकर पाक का बड़ा मकाम, उमर पाक की बड़ी शान, हैदर करार का बड़ा मकाम है, तराजू च तोलन वाली चीज नहीं। और मैं ते अक्सर जुमला देना नौ सुनियो, ओए अपने आप ते फखर कीता करो, अल्लाह ने अबू बकर भी अता किया तो सुनिया नु अता फरमाया, उमर भी अता फरमाया तो सुनिया नु अता फरमाया। अज कोई अबू बकर सदीक की सदाकत से भौंके, कोई उमर की अदालत से भौंके, कोई उस्मान गनी की सहाबत से भौंके, जनाब आला कोई हजरत मीरे माविया भौंके, उन्होंने कहा जबान बंद कर, हया कर, ये मुस्तफा दे सहाबी ने। हजरात बड़ी जिम्मेदारी नाल बात दर्ज कर रही हूं, अगर किबला जाहे चिश्ती साहेब किसी चीज का इंतखाब करन वो चीज गलत नहीं हो सकती, किसी चीज नु पसंद करन वो चीज गलत नहीं हो सकती, अगर गर्देजी किसी चीज का इंतखाब करे वो चीज गलत नहीं हो सकती। कायनात के अंदर रहने वालियो मुस्तफा नाल मुहब्बत करने वालों उस अबू बकर दी की शान होवेगी जिन्हों मेरे मुस्तफा ने चुनी है, उस उमर दी की शान होवेगी जिन्हों मेरे नबी ने चुनी है, उस उस्मान गनी दी की शान होवेगी जिन्हों मेरे मुस्तफा ने चुने, उस हैदर करार का की मकाम होगा जिन्हों मेरे मुस्तफा ने चुनिया होया है। सलामत रहे, बाजी मन चागी करा ना गुजारा नहीं। हजरत अबू बकर सदीक पाक दसा उन्होंने आपस किस तरह की मुहब्बत है,
आज कोई पौके जी, वो तो ये था, वो तो मामला ये था। मैं क्या सुन, मुस्तफा दा फरमान पढ़ना ही तो दिल चू पढ़, तेन पता लगे हैदर करार ना जी। सफर ते जा रहे हैं, गली चू गुजर रहे हैं, शरीयत दा कानून है, जड़ा बंदा गुजरता पिया, जड़ा बंदा बैठा है, जड़ा आ रहा है, शरीयत दा कानून है, बैठन वाले नू जड़ा आ रहा है वो पहले सलाम पेश करे। मौला हैदर करार आप सलाम के अंदर पहल कर दे सन। अबू बकर सदीक बैठे ने, अली पाक आ गए, सलाम नहीं ली, चुप करके खड़े ने। अबू बकर पाक परेशान हुए, अली पाक जिदों भी आंदे सन सलाम लेंदे सन, सलाम च पहल करदे सन। अली पाक खड़े हुए, सलाम पेश किया इख्तिसार दे नाल, हैदर करार ने जवाब दिता। तो ये सारे दा सारा ना माजरा हजूर की बारगाह के अंदर आ गया। अबू बकर पाक परेशान ने हजूर की बारगाह के अंदर हत्थ बन के अर्ज़ की, सोने अली पाक कभी इस तरह का मामला नहीं होया, अली जिदू भी आंदा सी सलाम च पहल करता सी, लेकिन अज हैदर करार ने मैं सलाम नहीं किया। मैं सलाम किया तो हैदर करार ने जवाब दिता, हजूर ताजदार कायनात ने फरमाया अली ने बुलाओ। अली पाक आ गए, जी सोना अली खैर है, जी सोना। अबू बकर नाराज हो, हाथ बन के की नहीं हजूर, अबू बकर तो मेरा यार है। अली फिर सलाम दे अंदर पहल क्यों नहीं की, जुमला सुन के तड़प जाओगे, बात का जिम्मेदार हाँ। हैदर करार मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर हाथ बन के की सोना, रात अख लगी ते करम हो गया, एक सोना जहा महल वेखिया। मैं ताजुब किया महल किस अजीम इंसान का है, गैब जो आवाज आई ए ओदा महल है जड़ा सलाम के अंदर पहल करेगा। मौला हैदर करार आप कहते ने सोना, मनु अबू बकर नाल बड़ा प्यार है, मनु अबू बकर नाल बड़ी मुहब्बत है, मैं इस वास्ते सलाम च पहल नहीं की थी। मैं क्या जड़ा जन्नत का महल वेख के आया, अज अबू बकर सलाम च पहल करेगा, अल्लाह उस महल का हकदार अबू बकर सदीक न बना देगा। बात सुनो हजरत, हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामों कौन अली है, कौन हैदर करार है। हदीस नंबर दो पढ़िए, हदीसें ही पढ़िया जानियां जी। बाबा जिस दामन के हदीस मुस्तफा ताजदार कायनात का फरमान सुनिया जी। हजरत अंस बिन मालिक फरमाते ने, हजरत अंस ना जी हजूर के खादम सन, हजूर की खिदमत करते सन। आप फरमाते ने हजूर की बारगाह के अंदर ना बुनिया हुआ गोश्त का एक परिंदा पेश किया गया। अज अल्लाह दे हबीब ने हाथ चुके, दुआ की मौला अज मैं ये लंगर ओदे नाल करंगा जिदे नाल तेनू भी बड़ा प्यार है। हजरत अंस फरमाते ने हबीब ने हाथ चुके तो दुआ की मौला जी कायनात के अंदर वो बंदा मेरे दरवाजे ते भेज जिदे नाल तेनू बड़ा प्यार है। जे सुभान अल्लाह खैरात दियो मेरा सफर वेखो तो फिर मैं तुहानू उस दरबार च लैके चला। मेरा अकीदा ईमान है, मेरे हबीब ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत, अली का चेहरा वेखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। अज असी अली पाक का जिक्र करके इबादत कर रहे हैं। आ मुसलमान भाइयों, मदीने दे ताजदार नाल वफा करने वालो, मेरे इमामुल अंबिया नाल मुहब्बत करने वालो, किबला लामा ज़ाहिद चिश्ती साहब आप दी मुहब्बतां नू समेट दिया होया हूं। मैं अपने जुमलियां नू अगे बढ़ाना चाहना हूं। अज हैदर करार दी की शान है, मौला मुर्तजा दी की शान है, अली पाक दा की मकाम है। अज मेरे मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर जिस वक्त गोश पेश कीता गया, हुण सुनिया जे मेरे मुस्तफा नू अली नाल बड़ा प्यार, अली नाल बड़ी मुहब्बत है। अज मुस्तफा ने हाथ चुके, हाथ चुके, अज मैं तू नहीं हाथ चुक रहे, अज मेरे मुस्तफा ने हाथ चुके, अज की मौला अज मेरे बुवे ते ओनू भेज जिदे नाल तेनों बड़ा प्यार है, अज मेरे दरवाजे ते ओनू भेज जिदे नाल तेनों बड़ा प्यार है, जिदे नाल तेनों बड़ी मुहब्बत है। हजरत अंस फरमाते ने लोगो मेरे नबी ने हाथ चुके, हाथ थले नहीं आए दरवाजे ते अली आ गए, दरवाजे ते अली आ गए। हजरत अंस ने हाथ बने,
कहते ने मौला मुस्तफा किसे काम दे अंदर मशगूल, हजूर थोड़ी देर तो बाद आ जाए आज। हजरत अंस कहते ने लोगो अज मैं वेखना चाहना वा जिदे नाल नबी नु भी बड़ा प्यार है, जिदे नाल रब नु भी बड़ा प्यार है, अज अजीम हसी केड़ी। हजरत अंस बिन मालिक कहने लोगो फिर थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, मेरे नबी दे हाथ थले नहीं आए, अली दरवाजे ते फेर आ गए। जुमला सुनिया जे बाबा जी, मेरे मुस्तफा ने दवा की मौला इस कायनात दे अंदर जिदे नाल तानू बड़ा प्यार है, जिदे नाल तानू बड़ी मुहब्बत है, अज ओनू मेरे दरवाजे ते भेजी आ जे। अलामा किबला जाहिद चिश्ती साहब आप दी इस अजीम अपने पाक दी दावत दी आने वालो, जरा जुमला सुन के तड़प जाओगे। ये जिस वक्त हजूर ने हाथ चुके, हजरत अंस फरमाते ने लोगो अली तीसरी मर्तबा फिर दरवाजे ते आ गए, मेरे नबी ने फरमाया है अंसा जी रोकी ना, आज अली आप ही नहीं आ रहा, आज अली नू भेजिया जा रहा। कौन है तेरे करारे जिदे नाल अल्लाह दे हबीब नू भी बड़ा प्यार, जिदे नाल अल्लाह नू भी बड़ा प्यार, मेरे मुस्तफा मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया नाल वफा करने वालो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोको मैं इलम दा शहर हाँ, अली ओदा दरवाजा है, जिन्हों इलम चाहिदा है अली दे दरवाजे रस्ते आना पवेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, चौथी हदीस पढ़न लगा, मेरे मदीने दे ताजदार ने फरमाया मैं हिकमत दा घर ते अली ओदा दरवाजा है, मैं हिकमत दा घर अली ओदा दरवाजा है। पता चलिया हिकमत चाहिदी अली दे बूहे ते जाना पवेगा, अगर जनाबे आ लो इलम चाहिदा वे अली दे दरवाजे ते जाना पवेगा। ओए मुसलमानो अगर सीने चली दा प्यार नहीं, इमामे हसन दा प्यार नहीं, इमामे हुसैन दा प्यार नहीं, ए नमाजा भी जाया ए कुरान दी तलावत भी जाया हो जानी जे। आओ मैं बिला तमहीद हदीसे पाक दा मैं फोन सुनांदा जावा, ए महशर दा मैदान सजिया होवेगा, क़यामत दा मैदान सजिया होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा। अज मौलवी साहब दी अमाल नू ए तराजू तो तोलिया जावेगा, अज नेकियां भी बड़ियां ने, ए पहाड़ां जिन्नियां नेकियां आवणगियां लेकिन तराजू च तोलिया जा रही है, तराजू च तोलिया जा रही है लेकिन वजन जीरो जीरो आ रही है। अज जनाब यारा ओ बंदा आखेगा जरा खोलो, ये गठरी खोली जाएगी, आखेगा जी वेखो ते सही नमाजा है ने, वेखे फिरिश्ते कहणगे हाँ हाँ नमाजा भी है ने, कुरान की तलावत भी है वे, अज नवाफिल भी है ने, कहेगा जी फिर ये वजन क्यों जीरो जीरो आ रही है। एक एक बात आ जिम्मेदार इस गल ते जरा तवज्जो करी आ जे, एक फरिश्ते ने आ जाना है आके आखेगा सब कुछ है वे लेकिन अली कोई नहीं, सब कुछ है वे नमाजा भी है नहीं अली पाक कोई नहीं, नमाजा भी है कुरान भी होवे ज़कातां भी होवन हज भी होवे, अगर अली दी मुहब्बत दामन च कोई नहीं ओ सुनियों बेड़ा पार नहीं होना, बेड़ा ओदा ही पार होना है जिदे सीने दे अंदर मुस्तफा दे सहाबा दी भी मुहब्बत होवेगी, नबी पाक दी अहले बैत दी भी मुहब्बत होवे। कौन हैदर करार, कौन मौला मुर्तजा, बात नु सुनिया जी हजरत जी, हैदर करार हजूर दी बार गए मकाम सजिया हो गया, सरकार खताब फरमा रहे, मुस्तफा खताब कर रहे ने, एक मस्कीन खड़ा होया हाथ बने साईं जी करम कीता जे मस्कीन आया, हजूर फरमाने थले बह जा साईं खताब फरमा रहे। थोड़ा वक्त फिर गुजरिया हाथ बने हजूर करम फरमाया जी मस्कीन आया, हजूर फरमाते ने थले बह जा, तीजी बारी फिर खड़ा होया, मेरे मुस्तफा ने ना ए इंज निगाह मारी ते हैदर करार वल वेखिया,
हजूर फरमाते अली जरा उठो ना जी सोना ले जाओ जाके जबान कट दियो। हैदर करार उठे बाजू तो फड़िया ते बाहर लै गए बार गए रिसालत दा दरबार सजिया होवे हजूर दे सहाबा तजस्सुस कली पाक ने उन तक ते जबान कट दिती होनी है। दरबारे मुस्तफा चो हुक्म मिले है सरकार ने खताब खत्म किया ते हजूर दे सहाबा जल्दी नाल दौड़े दौड़े बाहर गए ते जाके वेख्या की ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया से ना जिसकी जबान कटनी है वह जाते नारे मारता जा रहा अली तेरा डेरा वसे अली तेरा डेरा वसे पता नहीं सियालकोट वाले जुमला पी गए हो अली तेरा डेरा वसे अली तेरा हसन वसे अली तेरा हुसैन वसे अली तेरी जोड़ी वसे नारे मारता जा रहा है। हजूर दे सहाबा आ गए अली पाक जबान नहीं कटी सरकार कायनात मेरे मुस्तफा ने फरमाया सी अली अली जबान कट दियो मौलाए मुर्तजा जलाल जाए जलाल जाके कहंदे ने सहाबा मेरे नबी ने फरमाया है मैं इलम दा शहर अली दा दरवाजा है मेरे मुस्तफा ने एवें सी फरमाया अली दी जाहरी जबान कट मेरे मुस्तफा ने फरमाया सी अली दी मंगन वाली जबान कट दे नारे मारता जा रही है नारे मारता जा रही है अली तेरा डेरा वसे अली तेरा हसन वसे अली तेरा हुसैन वसे हैदर करार कहते ने लोगो जो आया सी मंगन वाला बन के आया सी आज अली दे डेरे तो जा रही है आज मंगन वाला नहीं बल्कि वंडन वाला जा रहा है। अल्लाह ऐसे अली पाक कमाल फरमाया साहबा मेरे मुस्तफा ने तो नहीं फरमाया जहरी जबान कटी आज ओदी मंगन वाली जबान कटी जो आया सी मंगन वाला बन के आया सी जो अली दे दरवाजे तो जा रही है आज मंगन वाला नहीं बल्कि वंडन वाला बन के जा रहा है। मौला मुर्तजा बैतुल्ला दा तवाफ गुलाम वेख्या हजारो कतारी ना रो रही है टाइम होए जी जरा इशारा दे देना अरे ते तकरीर का आगाज होने लगे सुभान अल्लाह लेकिन मैं टाइम के अंदर मौजू नू समेटांगा इंशाल्लाह मैं दूसरा खिताब समरी वाल जाके करना तवज्जो बैतुल्ला दा तवाफ एक नौजवान जारू कतारी ना रो रहा है रोंदा जा रहा है। हैदर करार करीब आ गए उलामा खैर है रोन की वजह की है रो इतना जारो कतारी ना रो रहे हैं कहंदा हजूर इस दरबार बैतुल्ला दे अजीम जैसे मकाम ते आया लेकिन एक दफा बाप की नाफरमानी तवज्जो जी बाप की नाफरमानी हो गई सी लेकिन मेरे बाप ने मैनू माफ कर दिता सी पता चलिया कोई वालिदैन का ना फरमान होवे बैतुल्ला जैसे अजीम मकाम ते चला जाए जे वालिदैन का ना फरमान है उस अजीम मकाम ते जाके भी निजात नहीं मिलती उत्थे भी पाक ओ तो ही राजी होणगे जदों बुढ़ा भाई माप जिदे ते राजी हो जाएगा। हैदर करार आप फरमाते ने वाकई तेरे बाप ने तेनू माफ कर दिता सी हथ बन के अर्ज की लज पालो जिस वक्त मैं शराब की हालत अंदर नशे की हालत अंदर नशा करके ना जिस वक्त अपने बेटे के अंदर आया ना मेरे बाप ने मेरी तरबियत की कि बेटा ऐसे मामले ना करया कर कहंदा हजरत जलाल च आया तो अपने बाप नू थप्पड़ मारिया बाप ने ना इस बैतुल्ला जैसे अजीम मकाम ते आके हाथ चुके ना बद दुआ की जिस वक्त मेरे वास्ते बद दुआ की थी अल्लाह ने मनु फालिज का मरज दे दिता मेरा एक बाजू और एक लत जाया हो गई मैं तौबा की तो मैं अपने बाप की बारकत अंदर ना हाथ बन के अर्ज की बाबा माफी दे देना तो जिस वक्त औलाद मापियां दे कदमां च बह जाए ना तो रब्बे काबा की कसम है उन्होंने किसी चीज़ की लोड़ नहीं होंगी बल्कि अपने औलाद की मुस्कुराहट की लोड़ होंगी है। अली दे बूवे ते अज खैरात लैन आए हो जुमला सुन के तड़प जाओगे हैदर करार तरबियत फरमा देने आप फरमाते ने बाप
फिर राजी हो गया सी। कहंदा हजरत जिस वक्त इल्तिजा की माफ़ी मंगी मेरे बाप ने मैनू माफ़ किया तो बाप कहंदा पुत्र चल उस अजीम मकाम ते जाके तेरे वास्ते दुआ करांगा जिथे जाके मैं बद दुआ करके आया सा। आ मेरे मुसलमान भाइयों इमाम अल-अंबिया नल वफा करने वालो मदीने दे ताजदार नल वफा करने वालो कौन हैदर करार जिन्होंने हर मकाम के उत्ते जनाब आला मेरे मुस्तफा की उम्मत नल प्यार कीता वे ए कौन हैदर करार है कौन मौला मुर्तजा वे जिदे नाल मेरे नबी नू भी बड़ा प्यार मेरे मुस्तफा नू भी बड़ा प्यार मदीने दे ताजदार नू भी बड़ा प्यार है। हजूर इमाम अल-अंबिया दे नाल वफा करने वालो अज हैदर करार उस नौजवान को सारा माजरा तलब कर रहे ने ए गुलाम ने हाथ बने अर्ज की मौला मैं अपने बाप की ना फरमानी की थी मैं बूढ़े बाप नू थप्पड़ मार रहा मेरे बाप ने बैतुल्ला अजीम मकाम ते आके हाथ चुके मेरे वास्ते बद्दुआ की थी अल्लाह ने फालिज का मरज दे दिता मैं अपने बाबे के कदमा च आ गया मैं आके हाथ बने अर्ज की थी बाबा मनु माफी दे दे बाबा मनु माफी दे दे। आज मुसलमान भाइयो एक किबला लामा जाहिद चिश्ती साहब जी इस दावत ही आने वालों आज जुमला सुन के तड़प जाए आ रहा आज फकीर इतना सबर करके आया ए इको इल्तिजा कर रहे वा ए मेरी वैदान मूवी पई बंदी है ए जनाबे वाला जवेद चुराही साहब अल्लाह इन्हां दियां मुहब्बतां भी सलामत रखे ए जुमले सुन के तुसा नहीं चले जाना ए हजारां लोगों की तादाद के अंदर ए नौजवानों ने जुमले सुन लेने ने हुण बाबा जी जरा जुमले सुनी आ जाए अज पैगाम की देन लगा वा हैदर करार उस नौजवान नू फरमा रहे ने ओ जवाना जरा दस तेरे बाप ने तेनू माफ किया सी कि नहीं किया हाथ बन के कहंदा मौला मैं अपने बाबे दे कदमा च आ गया मैं आके माफी तलब की थी मेरे बाप ने मैनू माफी दे दी थी मेरा बाप कहंदा चल बेटा मैं बैतुल्ला दे अजीम मकाम ते जाके तेरे वास्ते दुआ करांगा मौला मैं अपने पुत्र ते राजी हां मैं अपने पुत्र ते राजी हां मेरे मौला तू ही मेरे बेटे ते राजी हो जा। अज हैदर करार मौला मुर्तजा दी बारगाह दे अंदर ए जुमले सुना रही आवे ए बाबा जी जरा जुमला सुन के तड़प जाए आ जे हुण हाथ बन के कहंदा मौला ए जिस वक्त मेरा बाप जिहड़ी सवारी ते सवार अज रस्ते च सवारी आ रही सवारी दी रफ्तार तेज मेरा बाबा जमीन ते आ गया मेरे बाबे दा विसाल हो गया सी मेरे बाबे दा इंतकाल हो गया सी मेरा बाबा इस दुनिया तो चले गया है। ओए मुसलमानों जिन्हां दे बाप दा साया इस धरती तो चले जावे इस जहां तो चले जावे हजरत दुनिया उजड़ जाती है वह वेड़े च रौनक मुक जा ने अज यो पैगाम दे रहा वा ये हैदर करार का पैगाम ये मेरे नबी दे दरबार का पैगाम अपने मापिया नू राजी कर लिया जे वालिदैन नू राजी कर लिया जे रब्बे काबा की कसम जिदी मां जी दे ते राजी हो गई ये चिट्टी दाड़ी वाला बाबा जी दे ते राजी हो गया रब्बे काबा की कसम मेरे हबीब भी राजी हो जाते जे मेरे मुस्तफा दा खुदा भी राजी हो जाते अगर खुदा राजी हो गया ये दुनिया का बेड़ा भी पार हो जाना वे आखरत का बेड़ा भी पार हो जाना वे। हैदर करार दी बारगाह च जुमले सुना रही है मौला मेरे बाप की रूह परवाज हो गई मेरे बाप का इंतकाल हो गया भाई मुसलमानों जिस वक्त बाप दस आया इस धरती तू चले जावे इस जहां तू चले जावे मियां साहब ने दी जिंदर जवानी फरमाई आप फरमाते ने बाप मरे ते सारी नंगा होवे ओए सजनो हे बाप मरे ते सारी नंगा होवे ते वीर मर कंडखा हाली ओए मावा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली मेरा वक्त बिल्कुल खत्म आखिरी लम्हा के अंदर अपनी गुफ्तगू नू वाइंड अप करन लगा हुण मुसलमानो तवज्जो करी आ जे हैदर करार दी बारगाह च जुमले सुना रही है मौला मुर्तजा बोले ने दस तेरा बाप तेरे ते राजी हो गया सी हाथ बन के इल्तिजा की मौला मेरा बाप मेरे ते राजी हो गया सी मेरा बुढ़ा बाप मेरे ते राजी हो गया सी अज सियालकोट की धरती च वसण वाले हो इमामुल हक नाल प्यार करने वाले हो दाता ते अली हजवेरी नाल प्यार करने वाले
वालों, गोलड़े दे ताजदार नाल प्यार करने वालों, मेरे नबी दी हर निस्बत दा हया करने वालों, अबू बकर नाल प्यार करने वालों, उमर पाक नाल प्यार करने वालों, मेरे मौला मुर्तजा नाल प्यार करने वालों, बाबा जी अल्लाह ताडा रोना कबूल फरमा ले। ए अज बाबे दीआं अखां नम हो गईआं जे, ए रूहानियत आ गई जे, हुण बाबा जी जुमला सुन जाया जे। मौला मुर्तजा ने फरमाया, हैदर करार ने फरमाया, दमादे रसूल ने फरमाया, इमामे हसन पाक दे बाबा जान ने फरमाया, ए ज़हरा पाक दे सर दे ताज ने फरमाया। जरा दस, तेरा बाप तेरे ते राजी सी? हाथ बन के अर्ज कीती, मौला मेरा बाप मेरे ते राजी हो गया सी। अज नौजवान ने कसम उठाई, कहता है जनाबे आला, मौला हैदर करार दी बारगज कसम उठा के कह रहा, मौला उन मेरे रब्बे कायनात दी कसम, जिससे कब्जे कुदरत दे अंदर मेरी जान है, आखरी लम्हा दे अंदर मेरा बाबा मेरे ते राजी हो गया सी। अज हैदर करार ने हाथ चुके, तवज्जो तवज्जो हाथ उठाओ जरा, बोलो सुभान अल्लाह, हैदर करार दी बारगज खैरात मिलन लगी है। मौला मुर्तजा ने हाथ चुके ने, हाथ चुके ने, बाबा जी आज मैं वजीफा दे के जा रही हूँ, अगर बे औलाद है अली पाक दी बारगज वसीला पा के, अली पाक का वसीला पा के अपने रब दे हजूर दवा करी आ जे, ए फकीर दा वजीफा जे। ए जनाबे आला, मेरे नबी दी अहले बैत इमाम हसन हुसैन दा ए वसीला पा के अल्लाह दी बारगज दुआ करी आ जे, अगर बे औलाद आए अल्लाह नेक साल औलाद अता कर देगा, कर्जदार आए अल्लाह कर्जे दुरहाई दे देगा। ए मेरे नबी दी आल बड़ी प्यारी आल है, एदे नाल मेरे मुस्तफा नूं भी बड़ा प्यार, एदे नाल रब नूं भी बड़ा प्यार है। हुण बाबा जी इख्तिसार दे नाल हैदर करार ने फरमाया, तेरा बुढ़ा बाप तेरे ते राजी हो गया सी, हाथ बन के अर्ज कीती, मौला मेरा बाप मेरे ते राजी हो गया सी, मेरा बाप मेरे ते राजी हो गया सी। हैदर करार ने हाथ चुके, अर्ज कीती, मौला मौला ए तेरा बंदा है, एक कसम उठा के कह रही है, एदा बाप एदे ते राजी हो गया सी। मौला मैं अज अली दवा करना वा, अल्लाह तुसी भी एदे ते राजी हो जाया जे। हैदर करार ने दवा मंगी, हाथ चुकी होए ने, हैदर करार ने हाथ उठाए होए ने, हैदर करार दवा मंगी, मौला मौला एदे बाप ने भी इनू माफ कर दिता सी, अल्लाह जी तुसी भी इनू माफ कर दिया जे, इंज हाथ उठाए होए ने। हुण दवा की कीती, मौला इनू तंदुरुस्ती अता कर दिया जे, इनू शिफा अता कर दिया जे। अली पाक दे हाथ थले नहीं आए, अल्लाह ने उस बंदे नू अली दे नौकर नू शिफा अता फरमा दिती, अली पाक दे नौकर नू शिफा मिल गई। ते जानदा की कह रही है, दमा दम अली अली को तेरे दुख मुक जान गे, अली अली को किदा सोना अली है, वीरे रसूल दा किदा सोना अली है, वीर रसूल दा बाबा हसनैन दा सोहरे बतौल दा, अली नो मिटान वाले आपे मिट जान गे। सारे बोलो, अली नो मिटान वाले, अली नो मिटान वाले, अली अली को तेरे सारे ही दुख मुक जान गे। जिथे जड़ा भी आए खरात लैके जांदा है, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਗੋ ਆਇਆ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆ ਫਰਮਾਨੇ, ਰੋਕੋ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ, ਗਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਤਿਆਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਫੇ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਖਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਖਾ।
सियालकोट वालों जुमला पिया ना जे फरमाया दुध भी पी तो खजूर भी खा। गुलाम थोड़ा जिहा अगे बढ़ के कहिंदा हज़ूर गालां पिया कढ़दा सी। आप फरमाते ने चुप कर रहे वो गालां कढ़ के अपनी माँ की तरबीयत दस रहा सी। असी खजूरां ते दुध पिला के अपनी माँ की तरबीयत पे दस रहे। पता चलिया कोई कमीना तरीन इंसान होवे वो हजूर दी अहले बैत नूं पहुंच सकदा है। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा नौकर मेरे मुस्तफा दी अहले बैत नूं नहीं पहुंच सकदा। हज़रत जी इन्हां पाक हस्तियां दे नाल जिक्र करके मुहब्बत करके अकीदत रख के और अकीदा अहले सुन्नत दे अंदर उलमा हर महीना किबला अलामा साहेब आपकी तरबीयत करदे रहिंदे ने। फकीर दा आखरी पैगाम है कि अज बहुत ही ज्यादा डाके पै रहे। अज किसी के पिछे नहीं, कोई किसी के पिछे, कोई किसी के पिछे नहीं जाना, बल्कि या रब का कुरान पढ़ना या सोने हबीब का फरमान पढ़ना। जड़ी भी गल हो हज़रत कुरान पढ़ो या मुस्तफा का फरमान पढ़ो। मुस्तफा ताज दर कायनात के सहाबा के मुतलिक अपनी ईमान की कमजोरी लैके नहीं आनी। अज कोई जनाबे वाला अहले बैत की मुहब्बत का लबादा उड़ के ना जी हजूर के सहाबा पौंकद और कोई असहाब की मुहब्बत लैके अहले बैत को भौंकद है वह सुनियो तुहानू मुबारक होवे। तुसी मुस्तफा के सहाबा की भी हया करन वाली हो, मुस्तफा की अहले बैत की भी हया कर। इस वास्ते अकीदा अहले सुन्नत के अंदर रह के अपनी जिंदगी गुजारना है, अपनी जिंदगी वक्फ करना है। ताजदार कायनात नाल मुहब्बत और सुनिया के अंदर असं जिदे नाल भी प्यार किया ना जी हजूर की निस्बत की वजह तो प्यार किया, ताजदार कायनात की वजह तो प्यार किया। अगर असं अबू बकर सदीक नाल प्यार किया तो मुस्तफा की निस्बत की वजह तो प्यार किया। अगर हैदर करार नाल प्यार किया तो मुस्तफा की निस्बत की वजह तो प्यार किया। बस इस बात को अपने जहन के अंदर रख लेना है कि ना हजूर के सहाबा के मुतलिक ईमान के अंदर कमजोरी आए और ना अहले बैत के मुतलिक। और आखिरी पैगाम कि हजूर ताजदार कायनात के नाल बाबा जी मुहब्बत करन वाले हो, अकीदत रखने वाले हो, अज हालात बड़े खराब। इन्हां बच्चियां दी अपनी औलाद की तरबीयत बहुत जरूरी है, पैगाम बड़ा जरूरी है। और जड़ी औलाद कुरान पढ़न वाली बन जाती है ना बाबा जी, वो कभी भी अपने वालदैन की नाफरमानी नहीं करती। जड़ी औलाद कुरान पढ़न वाली हो जाए मुस्तफा दा फरमान, क्यों उसको पता है कि अल्लाह के हबीब ने ऐलान और पैगाम फरमाया है उफ़िम वला तन हर हुमा, अपने मापियां दे उफ़ भी नहीं करना, अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक, अपनी औलाद की तरबीयत, अपने बच्चियां नू कुरान, मेरे मुस्तफा दा फरमान। और कुरान तवज्जो है जी, मेरे वाल जरा वेखिया जी, आखिरी पैगाम देन लगा। कुरान ऐसी अजीम और लारैब किताब है कि जिसनों वेखिए तो अल्लाह सवाब अता फरमा छड़ दे, जिसनों खोलीए तो अल्लाह सवाब, जिसकी तलावत करिए तो अल्लाह सवाब। आखिरी पैगाम हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान ऐसी अजीम किताब है कि क्यामत का मैदान सजी होगा, क्यामत का मैदान लगे होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दो चीज़ा शिफात करनगियां, एक कुरान और एक रमज़ान। इन दोनों चीज़ों की शफात को कबूल किया जाएगा जिन्हें ये सिफारिश करे, अल्लाह इन्हों की सिफारिश को कबूल करके उस बंदे को जन्नत का आला मकाम अता फरमा देगा। कुरान पढ़न वाले हो जाओ, हजूर के फरमान के उत्ते डट जाओ, मुस्तफा की मुहब्बत, हजूर नाल प्यार, हजूर नाल अकीदत। ये जरा तुम महाना प्रोग्राम का शड्यूल करके ये जरा खर्चा कर दो हजरत रायगा नहीं जाएगा। एक भी बंदे अंदर एक भी बात और हैदर करार उन्हें पाक हस्तियों का तुम जिक्र शुरू किया है कि जिन्हों का जिक्र करिए तो इबादत है। और जितने तुसी अहले इलाका अहले महला तावन कर दियो, एक कोशिशां काविशां लापतियां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। किबला दे इलम अमल हर मैदान के अंदर अल्लाह इन्हों तरक्कियां कामयाबियां कामरानियां ता फरमाए। बड़े अजीम बड़ी मुहब्बत वाली शख्सियात ने अल्लाह करीम इन्हों का साया साढ़े सिरां ते कैम उरदैम फरमाए। अल्लाह करीम आप अहले इलाका अहले मुहब्बत की खैर फरमाए। आमीन वमा अलैना। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه اجمعين। مالک مولا عظیم پروگرام نو سجایا, तलावत हुई, नात हुई, खताबात हुई, मालिक मौला खसूसन मिल खसूस अहले इलाका अहले महला अहले मुहब्बत जिथू जिथू तशरीफ़ लैके आए किबला अलामा साहब दियाँ कोशिशां काविशां मुहब्बत अल्लाह बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। अल्लाह साडा दूर तो सफ़र करके आके हैदर करार मौला मुर्तजा का जिक्र करना बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। मालिक मौला कदम ब कदम जितने भी अहले इलाका अहले महला ने अलामा साहब के नाल मिल के
इस अजीम प्रोग्राम सजाया अल्लाह सब नो अजरी अजीम अता फरमा, अल्लाह दा रहन दिया बरकत अता फरमा, मालिक मौला अहले महला अहले इलाका दी खैर फरमा। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नलैन दा सदका कोई बे औलाद आया है, मौले मुर्तजा दी जोड़ी दा सदका अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने बेटियां अता कीतियां नहीं उन्होंने बेटी अता फरमा, मालिक जिन्होंने बेटी अता कीती नहीं उन्होंने बेटियां अता फरमा। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नलैन दा सदका मेरे समेत जितने भी अहले इलाका अहले महल्ला दूरों नजदीक तो अहबाब आए इन्हां दे अहले खाना जो जितने भी अहबाब चले गए अल्लाह सब दी कामिल बख्शिश अता फरमा। किबला अलामा साहेब आप दे वाली दे ग्रामी दी कामिल बख्शिश अता फरमा, उन्हानु जन्नतुल फिरदौस चाला मकाम अता फरमा। अल्लाह साडे हाल ते करम फरमा, फजल फरमा, रहमत अता फरमा, दुनिया आखरत दियाँ बलाइयाँ कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। इमदाद कुन इमदाद कुन, अजबंद गम आज़ाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही।